Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो कीबोर्ड के सिंबल्स होते हैं उनके बारे में और उनके क्या नाम होते हैं, क्योंकि 99.99% कई लोगों को इन सिंबल्स के की नाम जो होते हैं वो नहीं पता होंगे. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ फर्स्ट से लेके जितने भी सिंबल्स यहाँ देख रहे हैं आप, और यहाँ पे जितने सिंबल्स देखते हैं, इन्हीं सब सिंबल्स की आज हम बात करने वाले हैं. तो इस सिंबल्स की मैंने लिस्ट तैयार करी है, चलिए चलते हैं उस लिस्ट के ऊपर. तो यह देखिए, सबसे पहला सिंबल जो नंबर वन के पहले आता है उसे आप क्या बोलोगे? टिल्डे. दूसरा आता है उसी बटन में ही, ये दोनों सिंबल एक ही बटन में दोनों सिंबल होते हैं, उसको आप एक्यूट बोलते हो और पुश भी बोल सकते हो. और भी कई सारे नाम दिए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा. अगला आता है एक्सक्लेमेशन का मार्क, ठीक है, इसे आप एक्सक्लेमेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में आप पूर्ण विराम भी कहते हो. अगला आता है, इसको आप सब हैश के नाम से जानते होंगे, और इसे हैश भी बोला जाता है और इसे शार्प भी बोला जाता है. अगला ऑप्शन आता है ये वाला, इसे आप बोलोगे कैरेट और सर्कमफ्लेक्स. नेक्स्ट, आप इस ऑप्शन को, इस सिंबल को आप जानते होंगे एंड के नाम से, लेकिन इसको एम्पर सेंड भी बोला जाता है. नेक्स्ट है स्टार का सिंबल, आप इसको जानते हो स्टार के नाम से, और इसको एक और नाम से पुकारा जाता है जिसका नाम है एस्ट्रिक, और ये मैथमेटिकल के अंदर मल्टीप्लिकेशन सिंबल्स के तौर पे भी जाना जाता है. अगला है आपका ओपन ब्रैकेट, जिसे आप ओपन ब्रैकेट बोलते हो, लेकिन इसे हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, जैसे कि ओपन पैरेंथेसिस और ये वाला आपका क्लोज पैरेंथेसिस. एक्चुअली जो ये लैंग्वेजेस हैं पैरेंथेसिस, इसे प्रोग्रामिंग में बोला जाता है, बाकी वैसे भी इसे पैरेंथेसिस बोला जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस नाम को जानते नहीं हैं, इसलिए वो इसे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट ही बोलते हैं. अगला आपको ऑप्शन मिला, ये सिंबल मिलता है हाइफन का, इसे हाइफन बोलते हैं, माइनस और डैश भी बोला जाता है. जो नीचे डैश आता है उसे आप अंडरस्कोर बोलोगे, प्लस आप जानते ही हो, इक्वल्स भी आप जानते हो. ये होता है कर्ली ब्रैकेट, जिसे आप ओपन ब्रेस बोलते हो, और ये होता है कर्ली ब्रैकेट, जिसे आप क्लोज ब्रेस बोलते हो. नेक्स्ट है आपका, इनको, इन दोनों को अगर हम मिलाएं, इन दोनों सिंबल को, इनको बोला जाएगा बिग ब्रैकेट. अगर सिंगल सिंगल कर दिया जाए तो यहाँ पर ये होता है पहला वाला ओपन ब्रैकेट और दूसरा क्लोज ब्रैकेट. नेक्स्ट आपको सीधी सी जो लाइन मिलती है ठीक शिफ्ट के ऊपर, उसको आप बोलते हो पाइप और वर्टिकल बार सिंबल. नेक्स्ट आपको मिलता है बैकवर्ड स्लैश, जो इस साइड से उसे आप बैकवर्ड स्लैश बोलोगे, और जो आगे की साइड से उसे आप फॉरवर्ड स्लैश बोलोगे, और इस फॉरवर्ड स्लैश को एज ए डिवीजन के लिए यूज़ किया जाता है मैथमेटिकल्स में. इसे हम बोलते हैं कॉलन, और इसे बोलते हैं सेमी कॉलन. नेक्स्ट आता है ये कोट बोलते हो, और इसे कोटेशन मार्क भी बोला जाता है, और इसे इन्वर्टेड कॉमा भी आप कहते हो. नेक्स्ट आता है सिंगल कोट, जिसे हम बोलते हैं सिंगल कोट. और अगला है ये जो दो आप ग्रेटर देन और लेस देन आप देख रहे हैं, लेस देन ग्रेटर देन, आप इसे एंगल ब्रैकेट बोलोगे, ठीक है, ये लेस देन एंगल ब्रैकेट और ये ग्रेटर देन एंगल ब्रैकेट. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे.